Assalamualaikum everyone. तो हम start करने के अगला एक chapter gynecology में, which is about disorders of menstrual cycle. करूंगी मैं important चीजें ही, और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जो मैं कराती हूँ वो at least जरूर करने आपने. तो लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं अभी तक जो कि menstrual cycle से जिनकी कहानी शुरू होती है, तो अगर आपको menstrual cycle नहीं याद होगी तो आप उनको नहीं समझ सकते. और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो चीजें जो आपने शायद मैट्रिक में पढ़ी होगी, और मैट्रिक से आप अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे अपनी, लेकिन अभी भी आपके एमसीक्यू में आती है, अभी भी आपके वाइवा के क्वेश्चंस में आती है. और जो इस बेसिक तरीन नॉलेज को गलत करते हैं ना, उसको वो मतलब मैं आप खुद सोचें कि उसको फेयर बंदा क्या कहे, फेल ही हो सकता है ना. वो इतनी बेसिक नॉलेज है, तो जस्ट फॉर रिविजन 5 मिनट में हम इसको रिवाइज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ताकि हमें याद आ जाए, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स के प्रिकॉशन प्यूबर्टी एंड बाकी क्या चीजें होती हैं. अच्छा, तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से कहानी शुरू होती है. हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन रिलीज होता है एट प्यूबर्टी. ठीक है, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तब ये रिलीज होता है, और ये रिलीज होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके इफेक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH सिक्रीट होते हैं. अब याद रखना, क्योंकि ये GnRH जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये दोनों तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, FSH और LH. बच्चों के जहन में एक बड़ी गलत कॉन्सेप्शन मिसकंसेप्शन होती है, वो समझते हैं कि GnRH सिर्फ FSH को रिलीज करते हैं, और FSH जो है वो आग जाके ओवरी पे एक्ट करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज कराएगा, और ईस्ट्रोजन के बाद LH होता है. तो ऐसा नहीं होता, आपने ये जहन में रखना है कि लोअर लेवल्स पे दोनों GnRH जब आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को इफेक्ट करेगा, तो ये FSH और LH दोनों ही सिक्रीट होंगे. ठीक है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा नहीं होते, LH बहुत थोड़ा होता है, FSH थोड़ा ज्यादा होता है. अब क्या होगा इसके बाद, ये जो FSH थोड़ा ज्यादा है, LH इतने से लेवल पे थोड़े से लेवल पे होते, इतना ज्यादा नहीं होता. अब इन्हें जाके ओवरी पे एक्ट करना है. ओवरी को आपको पता है कि स्ट्रक्चर तो सैंडा बन गया, और ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उसके सेंटर में होता है एक ऊ साइड छोटा सा, और साइड पे दो सेल लेयर उसके गिर्द होती है. एक होती है ग्रेनुलोजा सेल लेयर, बाहर होती है थीका सेल लेयर. ठीक है, जो अंदर वाली ग्रेनुलोजा सेल है उसने रिस्पॉन्ड करना होता है FSH को. ठीक है, और जो बाहर वाली थीका है उसने रिस्पॉन्ड करना होता है LH को, ये वाली लेयर ने, तो ग्रेनुलोजा और थीका ने. अब क्या होता है कि जब LH आते हैं, जाहिर है इधर से दोनों रिलीज हो गए. ठीक है, LH आएगा, LH क्या करता है कि ये जो आपकी बाहर वाली थीका सेल लेयर है, आप इस तरह याद रखना कि F के पास G वाला लेटर आता है ना, अल्फाबेट्स में देखा जाए G और F करीब करीब आते हैं, तो FSH ग्रेनुलोजा सेल्स पे एक करेगा, और L के पास जो लेटर करीब आता है वो होता है T, मतलब L और T एंड वाले लेटर्स भी चले जाते हैं, तो ये दोनों जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो थीका सेल्स पे एक करेगा. अब क्या हुआ कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसने ग्रेनुलोजा सेल्स पे रिलीज एक्ट करके यहाँ से ईस्ट्रोजन रिलीज कराना है. ठीक है, तो ईस्ट्रोजन इज रिलीज बाय ग्रेनुलोजा सेल्स, लेकिन किस तरह से, उससे पहले ये जो LH है इसका एक्शन आता है, ये थीका सेल्स पे एक्ट करता है, थीका सेल्स से ये करवाता है रिलीज एंड्रोजेंस. ये ब्लड में नहीं आते, ये एंड्रोजेंस यहाँ से जाते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स में, ग्रेनुलोजा सेल्स इनकी करते हैं एरोमेटाइजेशन. ठीक है, और आफ्टर एरोमेटाइजेशन दीज एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजेंस, और फिर ये ईस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं. इसीलिए जो बात हमें शायद पहले नहीं बताई जाती थी कि LH शुरू में ही रिलीज हो जाता है, क्योंकि LH अगर शुरू में रिलीज नहीं होगा तो थीका सेल्स को ये नहीं स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एंड्रोजेंस. थीका सेल्स एंड्रोजन नहीं रिलीज करेंगे तो ग्रेनुलोजा सेल्स के पास कोई भी चीज नहीं होगी जिसको वो एरोमेटाइज करें और ईस्ट्रोजन बने. तो थोड़े अमाउंट में अगर LH नहीं शुरू में रिलीज होगा तो ईस्ट्रोजन बन ही नहीं सकता. ठीक है, ये बात पहले आपको शायद नहीं बताई गई थी, लेकिन अब आपने याद रखनी है. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें तो GnRH के ये रिलीज होने की वजह से रिजल्टेंटली हुआ है कि FSH ने ग्रेनुलोजा सेल्स पे एक्ट किया है और ईस्ट्रोजन आ गया है हमारे पास. ठीक है, अब FSH शुरू में ज्यादा रिलीज होता जाता है और ईस्ट्रोजन ज्यादा बनता जाता है. ठीक है, काफी ज्यादा. ये सबसे पहले जो पहला फेज होता है आपका फॉलिकुलर फेज, इसमें यही हो रहा होता है, FSH के रिजल्ट में बहुत सारे फॉलिकल्स आगे आ रहे होते हैं, और उस वो जो फॉलिकल्स जितना FSH ज्यादा होता है उतना ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है. ठीक है, अब ईस्ट्रोजन का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे क्या लेवल है, अब ये याद रखना है कि जब एक लोअर लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होता है, लोअर से मुराद है कि आप याद रखें कि एक बेसलाइन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी कि अभी FSH यहां से आ रहा है, स्टिमुलेट कर रहे और ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. ईस्ट्रोजन सपोज करें कि अभी लेवल को इतना पहुंचा कि इट इज कंसिडर्ड एज लोअर टू मिडिल लेवल, तो वो लोअर टू मिडिल लेवल पे अगर ईस्ट्रोजन होता है ना, तो इट इज अ नेगेटिव स्टिमुलस फॉर LH को ये नेगेटिवली स्टिमुलेट करता है. लोअर लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हमेशा नेगेटिवली स्टिमुलेट करते हैं LH को, और LH को रिलीज नहीं होने देते. ठीक है, जबकि ये ईस्ट्रोजन जब बढ़ता जाता है फिर एक इसका बहुत ज्यादा लेवल आ जाता है. तो जब हायर लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन आ जाते हैं, एक थ्रेशोल्ड कट ऑफ वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद वेरी वेरी हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन नाउ स्टिमुलेट्स LH सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी, तो ये इसका फिर पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है. ठीक हो गया, तो इसी वजह से जब बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है बॉडी में,
उसके बाद आपका ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट होता है बहुत ज्यादा, पिट्यूटरी ग्लैंड में से बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन रिलीज होते हैं। और जब ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो दिस इज द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि LH या ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, ये जो फॉलिकल है इसकी ओव्यूलेशन के लिए। और उसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन ही वो हॉर्मोन है जो कि इस फॉलिकल को, जो कि प्रो फेज ऑफ मियोसिस में अरेस्टेड था, इसकी फर्दर डेवलपमेंट को भी कंटिन्यू करते हैं। एक तो ये ओव्यूलेशन भी हो जाती है, ओव्यूलेशन का मतलब है कि ये निकल जाएगा इसमें से, पीछे जो सेल्स हैं वो रह जाएंगे, और साथ ही साथ इस फॉलिकल की मैच्यूरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी जो कि रुकी हुई थी पहले इन द फेज जो आपकी आती है प्रो फेज वन, यानी मियोसिस की फेज वन। ठीक है, अब आपने अगली जो बात ये याद रखनी है कि मैं आपको सिर्फ अभी मोटी मोटी सी बातें बता रही हूँ, थोड़ी सी जो माइनर डिटेल्स भी बीच में होती है उनको मैं टच नहीं कर रही ताकि आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो जितना हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपको याद हो कि यहाँ पर आपका मैं बताऊँ, वो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे होते हैं। वो हम ये कहते हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक मिनिमल सा या एक लोअर सा लेवल मेंटेन रखती है बॉडी में, मतलब एक खास लेवल मेंटेन रखती है वो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जब एक नॉर्मल सा लेवल मेंटेन रहते हैं, तो आपको पता है कि मैंने बताया ईस्ट्रोजन का एक नॉर्मल सा लेवल इज नेगेटिव स्टिमुलस फॉर LH, तो ये LH को सिक्रीट नहीं होने देता। और दूसरी बात, जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, हमने इस तरह से डिजाइन की होती है कि हमारी बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन का एक नॉर्मल सा लेवल मेंटेन रखती है और प्रोजेस्टेरोन का ये हाई लेवल मेंटेन रखती है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज अगेन अ नेगेटिव स्टिमुलस फॉर LH। तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन इस तरह से अचीव करनी होती है कि हम LH को रिलीज होने से रोकते हैं, और LH को रिलीज होने से रोकेंगे तो ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, तो दिस रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रासेप्शन। तो जो हमारी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका मेकेनिज्म यही होता है कि ये ईस्ट्रोजन का एक मिनिमल सा या बेसलाइन लेवल मेंटेन रखती है, LH के लिए नेगेटिव फीडबैक रहता है, प्रोजेस्टेरोन का एक हाई लेवल मेंटेन रखती है, LH के लिए नेगेटिव फीडबैक रहता है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरोन की भी, तो कहानी कुछ यूं हुई कि ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हुआ, उसने LH को स्टिमुलेट किया, LH रिलीज हो गया, LH सर्ज होती है, ठीक है, सडन सर्ज आती है, एकदम पीक आती है और उसके बाद आपकी ओवुलेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ अब ये जो LH सर्ज है ना, उसके साथ ओवुलेशन में और भी फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, बहुत सारे इंजाइम्स हैं जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, खासतौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपके पास अगर कभी कोई फीमेल है जो कि कंसेप्शन चाह रही है और वो कोई प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग ले रही है, ठीक है, मल्टीपल इस तरह की हो सकती है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जो इनहिबिट करती है, जैसे आपकी सिंपल बात कर लें जो एस्पिरिन है, जो आइबोप्रोफेन है, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि जब वो कंसीव करना चाह रही है तो वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ड्रग ना ले, क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होंगे बॉडी में तो ये जो आपका प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन है ये नहीं हो सकेगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगी तो शी कैन नेवर कंसीव। ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसकी कोई भी जो इस तरह की ड्रग होती है आइबोप्रोफेन या एस्पिरिन या फिर विच एवर इस प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, वो बंद करा देते हैं, ये एमसीक्यू आता होता है, याद रखना आपने। अच्छा, उसके बाद ओवम रिलीज हो गया, क्या था, LH सर्ज आई थी, LH बहुत ज्यादा हुआ था, FSH भी तकरीबन, FSH जब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो FSH खुद ब खुद कम हो जाता है। ठीक है, FSH पे भी ईस्ट्रोजन का नेगेटिव इफेक्ट है, ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा FSH कम हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन ज्यादा हुआ था, FSH कम हो गया था, LH का एकदम से सर्ज आ गई थी, ओवुलेशन होगी, जब LH का सर्ज आती है और ओवुलेशन हो जाती है उसके बाद रिलीज होने लग जाता है ये वाला प्रोजेस्टेरोन LH के रिजल्ट में। ठीक है, LH हार्मोन एक तो ओवुलेशन कराते हैं और दूसरा इन सेल्स से ही, ये जो आपके सेल्स हैं इनमें से जो थीका सेल्स हैं इनसे प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन इज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने भी आपको बताया जितना प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा उतना LH और FSH दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन इज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जिस तरह प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू होता है LH बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, इसी वजह से एक ही ओवम जो ओवुलेट हो सकते हैं, उसके रिजल्ट में अब क्या हो गया, अब हमारा ओवम निकल चुका है यहाँ से, यकीनन वो चला गया है इन द फिलोपियन ट्यूब, और उसके साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे तीन फेज होते हैं जो कि ओवरी में खत्म हो जाते हैं, और ओवरी में क्या होता है, तीसरे फेज में जब यहाँ से ओवम निकल के चला जाता है तो जो ग्रैंडुलोसा और थीका सेल्स है ये एक येलोइश सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ल्यूटियम इज फॉर येलो कलर, और क्यों ये येलो होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन इज स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन बनता है फैट से, तो क्योंकि इसमें एक्सेसिव फैट होते हैं तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर येलोइश कलर का होता है, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जब तक कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका एंडोमेट्रियम सिक्रीट करना नहीं शुरू कर देता। बहरहाल अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं।
फिर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहता है और दूसरी तरफ ये अभी मैं बताऊंगी आपको एंडोमेट्रियम को भी स्टिमुलेट करता रहता है। एज ए रिजल्ट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आखिरकार कॉर्पस ल्यूटियम अपना जो मकसद है यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाला इसका फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि बीटा एचसीजी नहीं आएगा। बीटा एचसीजी वाज नेसेसरी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बीटा एचसीजी रिलीज होता है और ये हार्मोन फिर कॉर्पस ल्यूटियम को ताकत देता है कि भाई तुम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहो। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो बीटा एचसीजी नहीं आता, वो नहीं आता तो कॉर्पस ल्यूटियम के पास कोई स्टिमुलस नहीं आता कि वो मजीद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करे, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज को खत्म कर देता है। खत्म कर देगा तो ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ओवम भी जाया हो जाएगा और सारी एंडोमेट्रियम भी शट ऑफ हो जाएगी विच इज इन मेंस्ट्रुएशन। अब ये सारी चीजें जो एंडोमेट्रियम में चल रही होती है वो ये होता है कि जब आपका पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज जिसमें एफएसएच ज्यादा होता है उस टाइम पे आपने सिर्फ मोटी सी तीन बातें याद रखनी है। जब एफएसएच ज्यादा था और ईस्ट्रोजन उसकी वजह से निकल रहा था ये होता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो एंडोमेट्रियम है उसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स और उसका स्ट्रोमा इंक्रीज हो रहा होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है? थिक हो रही होती है एंडोमेट्रियम क्योंकि उसके ख्याल में भी फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट ने इम्प्लांट होना है तो इम्प्लांटेशन के लिए वो एक घर तैयार कर रहा होता है। तो पहले फेज में जो ये फॉलिकुलर फेज के साथ कोइंसाइड करते हैं इस फेज में एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन हो रही होती है, हाइपरट्रोफी हो रही होती है, साइज थिकनिंग हो रही होती है। ठीक है, जब ओवुलेशन हो जाती है सेकेंड फेज में इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम के अंदर अब थिकनिंग मजीद नहीं होती, अब सिक्रीशंस बढ़ने लग जाती है। ये ग्लैंडुलर सिक्रीशंस का फेज है जिसमें ग्लैंड्स बहुत सिक्रीशंस पैदा करते हैं, सिक्रीट करते हैं, डेसिडुअल रिएक्शन होता है और सारा एरिया बहुत अच्छा सा हाइपर सिक्रीटरी हो जाता है। ब्लड वेसल्स बहुत एनरिच्ड होती है ताकि जैसे ही हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड जायगोट आएगा हम उसे अपने पास रख लेंगे। दूसरे फेज में ही होता है। और तीसरे फेज में जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल कर जाता है ल्यूटियल फेज में तो फिर आपका वो सारी जो तैयारी होती है वो जाया हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन मेंस्ट्रुएशन। तो ये तो पुरानी बात नहीं है, बाकी अगले पार्ट में शुरू करते हैं। किसी कोई मसला हो के नाश में। थैंक यू।